नमस्कार दोस्तों, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ईएलएसएस से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स सेविंग करने का ये एक इफेक्टिव मेजर है या एक इफेक्टिव टूल है। अब इसी संदर्भ में दोस्तों, जुलाई 2022 में सेबी द्वारा पैसिव ईएलएसएस के फंड को लागू किया गया। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड, आपके लिए भी ये जानना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पैसिव ईएलएसएस फंड क्या होता है और इसका एक्टिव ईएलएसएस फंड से डिफरेंस का पॉइंट क्या है। तो एक सामान्य निवेशक को जागरूक करने के पर्पज से मैं इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष पैसिव ईएलएसएस फंड क्या है और इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं वो रखने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड फ्रॉम टैक्स सेविंग परस्पेक्टिव की अगर मैं बात करूं कि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का टैक्स सेविंग परस्पेक्टिव से एक क्लासिफिकेशन होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और एक क्लासिफिकेशन मैं कर सकता हूं अदर स्कीम। आप कहेंगे अनूप जी, इनमें डिफरेंस क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि केवल ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ही ऐसा म्यूचुअल फंड ऑप्शन है जो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में कर की छूट यानी टैक्स एग्जम्पशन टैक्स डिडक्शन लेने का ऑप्शन देता है। लेकिन और किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, डेट फंड हो, लिक्विड फंड हो, बैलेंस फंड हो, उसमें आपको 80C यानी टैक्स बचत करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो टैक्स सेविंग परस्पेक्टिव से ईएलएसएस एक महत्वपूर्ण म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। अब दोस्तों, आपसे बात करता हूं कि टाइप्स ऑफ ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के भी दो टाइप हैं जिन पर मैं यहां चर्चा करूंगा। पहला एक्टिव ईएलएसएस, दूसरा पैसिव ईएलएसएस। इनमें जो नई कैटेगरी है दोस्तों वो है पैसिव ईएलएसएस। तो पहले समझते हैं एक्टिव ईएलएसएस क्या होता है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी जो म्यूचुअल फंड में डील करती है, से HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI, फ्रैंकफिन एक्सेट्रा, उनका एक कोई पर्टिकुलर फंड है जो 200 करोड़ रुपए का है और उन्हें कोई मिस्टर एक्स हैं जो कि उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर कहलाते हैं, वो उस फंड को मैनेज करते हैं। अब ये मिस्टर एक्स जो कि उस फंड के फंड मैनेजर हैं, वो ये तय करते हैं कि आज मैं ए सिक्योरिटी लूंगा, फिर कल उन्हें लगा कि ए सिक्योरिटी को सेल करना है, इसको सेल किया, बी सिक्योरिटी उन्होंने परचेज कर ली। तो ये जो फंड मैनेजर है वो ये तय करते हैं कि मुझे कब कौन सी सिक्योरिटी खरीदनी है, बेचनी है, उसमें रुकना है या उससे एग्जिट करना है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं दोस्तों पैसिव ईएलएसएस से कि पैसिव ईएलएसएस में ऐसा क्या डिफरेंस है। पैसिव ईएलएसएस में दोस्तों क्या होगा कि फंड मैनेजर को ये लिबर्टी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी शेयर को खरीद लें और कोई भी शेयर को बेच दें, उनको एक लिमिटेड चॉइस मिलेगी। लिमिटेड चॉइस मतलब पैसिव ईएलएसएस में जो फंड मैनेजर होगा उसको जो उन्होंने एक गाइडलाइन तय करी है कि ओके मैं निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी के टॉप 150 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, यानी वो इंडेक्स को फॉलो करेंगे। कि अगर निफ्टी 50 की बात करता हूं कि निफ्टी के जो टॉप 50 शेयर्स हैं हम उसी में रहेंगे। तो अब फंड मैनेजर को क्या करना है कि मान लीजिए निफ्टी में कोई नया शेयर इंट्रोड्यूस होता है तो फंड मैनेजर विल बी एबल टू परचेज दैट शेयर, और निफ्टी के 50 जो टॉप शेयर्स हैं उनमें से कोई एक शेयर एग्जिट होता है तो फंड मैनेजर को उस शेयर से निकलना होगा और जो नया शेयर एंट्री कर रहा है उसमें जाना पड़ेगा। यानी जो फंड मैनेजर की इंडिविजुअल चॉइस थी एक्टिव ईएलएसएस में, वो पैसिव ईएलएसएस में सीमित हो जाती है। और पैसिव ईएलएसएस में रिलेवेंट फंड मैनेजर को जो बेंचमार्क उन्होंने तय किया है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो या 250 हो, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो पैसिव ईएलएसएस में आप इस प्रकार से एनविजाज कर सकते हैं कि आपको लगता है कि हाँ सर, आज मान लीजिए निफ्टी का लेवल है 18,000 पॉइंट और आपको लगता है कि आज से 3 साल बाद सपोज निफ्टी हो जाएगी 25,000 पॉइंट और आप पैसिव ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका एक तरीके का इन्वेस्टमेंट इस टारगेट से है कि मैं 18,000 पे एंट्री कर रहा हूं, 25,000 पे लगभग जब निफ्टी होगी तब मैं एग्जिट करूंगा। तो आपका जो रिटर्न आएगा वो निफ्टी के प्रपोर्शन में आएगा एज कंपेयर टू एक्टिव ईएलएसएस, जहां पर आपका रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एज कंपेयर टू बेंचमार्क। तो ये एक पैसिव ईएलएसएस का तरीका रहेगा, ये मैंने आपके सामने बात रखी।
तो दोस्तों, हालांकि मैंने ये बात ऑलरेडी एलिब्रेट करी एग्जाम्पल से, फिर भी आपके समक्ष दोबारा रखता हूं कि वॉट इज पैसिव ईएलएसएस। देयरफॉर अ पैसिव ईएलएसएस सिंपली फॉलोज इट्स सेट बेंचमार्क एंड एम एट मैचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सच इंडेक्स सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर्स। यानी अगर जिस भी पैसिव फंड ने तय किया कि हाँ साहब हम निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में चलेंगे, तो वो निफ्टी 50 या 100 का जो कंपोजिशन होगा उसी को फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से आगे पीछे अपने परचेज सेल को एडजस्ट करते रहेंगे। तो ये एक पैसिव ईएलएसएस का मेन फीचर है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ओके, व्हाट आर द अदर पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ अ पैसिव ईएलएसएस। मैं आपके सामने समरी करने की कोशिश करता हूं। इट ट्राइज टू मैच द परफॉर्मेंस ऑफ द रिलेवेंट बेंचमार्क। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आप टारगेट सेट करते हैं कि ओके, निफ्टी इस लेवल से इस लेवल तक एज्यूम करता हूं जा सकती है, तो फिर मेरा जो पैसिव ईएलएसएस है वो भी उसी प्रोपोर्शन में परफॉर्म करना चाहिए। एक मोटा मोटी अंदाजा इस प्रकार से लिया जा सकता है। Not heavily dependent on the expertise and experience of the fund manager as compared to active ELSS। अगर आप passive ELSS की बात करते हैं तो वो अपने fund manager के expertise और experience पर ज्यादा depend नहीं करती। वो इस पर depend करती है कि performance relevant benchmark की क्या। Reduced expense ratio, ये एक बड़ी important बात है दोस्तों। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का सर्टेन परसेंटेज, जो से 0.25% से लेकर के 1.5-2% तक भी हो सकता है, वो रिलेवेंट फंड हाउस चार्ज करता है एक्सपेंसेस के रूप में। एक्टिव ईएलएसएस फंड में एक्सपेंस का रेशियो पैसिव ईएलएसएस के फंड के एक्सपेंस रेशियो से ज्यादा होता है। यानी यदि आप एक पैसिव ईएलएसएस फंड चूज करते हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि आपका एक्सपेंस रेशो कम रहेगा। यानी ओवरऑल पीरियड में जब तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, रिलेवेंट फंड हाउस आपसे कम अमाउंट चार्ज कर पाएगा एक्सपेंसेस के पेटे। यानी एज एन इन्वेस्टर आपको नेट रियलाइजेशन, नेट वैल्यू, नेट क्रेडिट इन फॉर्म ऑफ एनएवी ज्यादा मिलनी चाहिए। ये एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है। फाइनली दोस्तों, इन्वेस्टर अवेयरनेस के अपने प्रयास में मैंने आज आपके सामने एक्टिव ईएलएसएस वर्सेस पैसिव ईएलएसएस का एक कंपैरिजन रखा। इस वीडियो के थ्रू मैं कतई ये संदेश नहीं दे सकता कि आप अब पैसिव ईएलएसएस में जाएं। चॉइस किसी भी इन्वेस्टर की खुद की है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि यदि आपके समक्ष एक नॉलेज है और आप इस नॉलेज को अपने फंड मैनेजर के साथ डिस्कस करें, डिस्कस करके एक कैलकुलेटेड कॉल लें, फिर आप ये कॉल लें कि ओके, मुझे एक्टिव फंड में जाना है या पैसिव फंड में जाना है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इस वीडियो का मेन पर्पस था। आई होप यू वुड हैव फाउंड इट बेनिफिशियल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।